हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अडा ट्वेंटी फोर सेवन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो भी यहाँ पे क्लैट 2024 के एस्पेरेंट हैं आज हम सब यहाँ पे जो मेन्टोर्स हैं आप लोगों का लाइव मॉक एनालिसिस यहाँ पे करने जा रहे हैं और एग्जैक्ट टाइमिंग जो आप लोगों को एग्जाम में देना है उसी टाइम के अनुसार हमें यहाँ पे पैराग्राफ को करना है सो लेट्स स्टार्ट विद द लीगल रीजनिंग सबसे पहले हम लोग करेंगे सपोज आप लोग का लीगल रीजनिंग का पार्ट बहुत ईजी है बहुत फेवरेट है तो आप लोग का सबसे पहला पैराग्राफ क्या है आप देख सकते हैं द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ कॉन्सपिरेसी आई होप सो आप लोग को पैराग्राफ दिख रहा होगा uh, किरण एक बार फटाफट मुझे बता देंगे दैट पैराग्राफ आप लोगों को दिख रहा है सबको सबको पैराग्राफ दिख रहा है लीगल रीजनिंग का सबसे पहला पैराग्राफ है और इस टॉपिक का आप लोगों का क्रक्स क्या है दैट इज कॉन्सपिरेसी कभी भी जब हमें लीगल नॉलेज हो तो ऐसा मत करना कि हम स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतर आए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है पैराग्राफ को एक से दो बार जरूर पढ़ना है तो ये जो हम लोग का टॉपिक है कॉन्सपरेसी का है सो so, कॉन्सपेरेसी का आप लोग का डेफिनेशन लिखा है टू और मोर देन पीपल एग्रींग टू डू इलीगल एक्ट ऑफेंस टुगेदर दैट इज कॉल्ड कॉन्स्परेसी और इंडिया में आप लोगों का आईपीसी में कॉन्सपरेसी का डेफिनेशन गिवन है सेक्शन वन ए आप लोग का ठीक है चलो किरण उसके बाद बेटा सेक्शन 120 ए आप लोग का है ठीक है इट स्टेट दैट वेन टू और मोर पर्सन यानी कि कॉन्सप्रेसी में आप लोग के दो या दो से ज्यादा पर्सन यहां पे होने चाहिए 120 ट्वेंटी बी टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्परेसी सारा पैराग्राफ आप लोग पढ़िए और uh, निर्मल बेटा अगर आपको लगता है कि भाई मैम ना बोले हम खुद क्वेश्चंस पढ़ें तो यूट्यूब का सेशन म्यूट कर दीजिए मतलब साउंड को म्यूट कर दीजिए सो दैट आप लोग अपने क्वेश्चंस को अपने मन से पढ़ सकते हैं ठीक है ठेके? ये आप लोग का पैराग्राफ है उसके बाद देख सकते हैं असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आप लोगों के क्रिमिनल कॉन्सपेरेसी के दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए इ एग्रीमेंट होना चाहिए और किसी भी लीगल वर्क को आप इलीगल वर्क में कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल कॉन्सपेसी दैट इज़ गिवन हेयर देखिए और आप लोग का जो कॉन्सपरेसी है इस पैराग्राफ में दिया है दैट इज अंडर टॉट टॉट में भी हमारा है यानी कि आप लोग का क्रिमिनल एक्ट भी है और आप लोग का सिविल एक्ट भी है सिविल का मतलब क्या होता है आप लोग का प्राइवेट रॉन्ग भी है और आप लोग का क्रिमिनल रॉन्ग भी है दैट्स इट ओके अंशुमन चलिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है थ्री मैन प्लान टू अटैक अ स्कूल विद अ गन एंड दे ऑल्सो कॉन्टेक्ट देयर म्यूचुअल फ्रेंड फॉर द सेम It was planned and executed in such a manner that three men would outside while the fourth would go and attack. Wh whether who are liable for the conspiracy? jaldi bataiye ye aap लोगों ka okay. first option hai ये aap लोगों के do options hai सबको यहाँ पे participate करना है question संसर में। जल्दी बताइए 55 का exact answer आप लोगों का क्या होगा? What will be the right answer of 55? हाँ जी class। भाई चार ने conspiracy बनाया तीन बाहर है एक अंदर जा रहा है तो हमें मालूम है जब कॉमन इंटेंशन सबका एक है सो दैट्स वाई ऑल बी आंसर किरण बेटा नॉट ए बच्चे यहां पे जब कॉमन इंटेंशन है सो दैट्स वाई ऑल विल बी लेवल एक्सलेंट अभिषेक चलिए जी, next. A few men to प्लान टू bank, अ बैंक दे other अदर वेरी वेल न्यू दैट दे rob ऑन द सेम डे बट प्लान इंडिविजुअली एंड अलोन एग्जीक्यूटेड इट पर एज द प्लानिंग क्या ये आप लोग इजी क्वेश्चन से ये पैराग्राफ हम लोग हाँ so लो <coughs> यहाँ पे कर भी चुके हैं सो फिफ्टी सिक्स का आप लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या है जल्दी बताइए 56 का जल्दी यहाँ पे अलोन एंड इंडिविजुअली तो अलोन और इंडिविजुअली है तो ये आप लोगों का लेवल नहीं है a is the right answer, बहुत बढ़िया कांशा। to तीन कंपनी ने बोला कि सोचा कि चलो हम लोग अपना बिजनेस को एक साथ करके दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करते हैं बाय हु एंड क्रुक सो विल दे बी लाइव इफ दे सक्सीड बताइए भाई तुरंत आप लोगों को पे आंसर्स को बताना है तुरंत सो so पे क्लास भाई कंपनी को ओवरटेक करना अपने बिजनेस से सो दिस इज नॉट एन इीगल एक्ट तो ये आप लोग का नो एज देयर वाज नो इन एक्ट बी इज द राइट आंसर 57 का बी इज द राइट आंसर ध्यान से देखिए वट वुड बी देनल्टी अवॉर्डेड टू द कॉन्सपरेटर ऑफ मर्डर इफ मर्डर इज पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट बताइए पेनल्टी फॉर अबेटमेंट टू मर्डर सिक्स मंथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट या पेनल्टी फॉर कॉन्सपरेसी दिस पैराग्राफी सो यू है राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हम लोगों के पैराग्राफ में भी ये चीज लिखा हुआ है भाई जो आप लोगों का का मतलब क्या होता है जो हमारा कॉन्सपरेसी करता है तो यहां द राइट आंसर देयर वेयर टेररिस्ट अटैक इन दिटी आफ्टर सम टाइम टेररिस्ट ग्रुप कम फॉरवर्ड एंड क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट विदाउट एनी लिंक टू द सेम बट टू टेक क्रेडिट क्या वो कॉन्सपेरेसी के लिए लाइबल है बताइए फिफ्टी क्या वो लोग कॉन्स्परेसी के लिए लाइबल है दिस थिंग वी हैव डन भाई हमें बीस मिनट में करना है आप लोग का राइट right आंसर क्या है दैट इज जल्दी बताओ 59 का राइट right आंसर क्या है आप लोग का प्लानिंग शुड कम बिफोर द क्राइम टू अट्रैक्टेंस को अच्छे से आंसर पर लिख लीजिए बाद में अच्छे से एनालाइज करिएगा कि हमने क्या क्या पढ़ाया खुशी ठीक है चलो बेटा नेक्स्ट हम लोग का क्या है क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या चीज है इन एट मार्च ये तो हमने हाल फिलहाल किया था <coughs> किस चीज के बारे में है आप लोग का 8 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट रेंडर इज हिस्टोरिकल रिगुलाइजिंग रिगुनाइजिंग प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिटी द एडवांस मेडिकल डायरेक्टिवस एंड लिविंग विल लिविंग विल क्या है आप लोग का लिविंग विल का मतलब है सपोज कोई पर्सन फ्यूचर में अपना सारा प्रॉपर्टी चाहता है कि भाई मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ ये प्रॉपर्टी किसी और को मिल जाए या मेरे मरने के बाद ये ऑर्गन किसी और को हैंड ओवर हो जाए ये होता है आप लोग का लिविंग विल तो लिविंग विल क्या है आप लोग का अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द पर्सन लाइफ टाइम अंडर विच इंस्ट्रूमेंट द एग्जीक्यूटर एक्सप्रेस हिज विशेस इन रिलेशन टू द मेडिकल ट्रीटमेंट इफ शी शीज विशेष मतलब वो पर्सन बीमार है सो so बीमार होने के बाद भाई जानता है कि फ्यूचर में मैं नहीं रह पाऊंगा फ्यूचर में नहीं रह पाऊंगा तो जिसको वो अपना प्रॉपर्टी हैंड ओवर करता है दैट इज कॉल लिविंग विल ये आप लोग का लिविंग विल है

ट डिसन कम एज अ रिलीफ टू द वेरियस मेडिकल प्रैक्टिशनर एज ऑल्सो अदर हू अंडरस्टैंड एंड प्रोपाउंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल रिकॉग्नेशन टू दर्सन एटोनॉमी विद डिग्निटी जैसे हम लोगों का जब अरुणा शाबा का केस आया था तो अरुणा शाबा के केस में राइट टू डाई को पैसिव पैसिवनेशिया के अंतर्गत फंडामेंटल राइट माना गया था अंडर आर्टिकल ट्वेंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है चलिए अब आप लोगों का यहां पे देखिए अगर कोई भी पर्सन सपोज राइट टू डाई चाहता है तो मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं जुडिशियल फर्स्ट क्लास विटनेस सबकी जरूरत होती है जो कि आप लोग इस पैराग्राफ पे दिया है देखिए ध्यान से द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉज टू इन्फॉर्म द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटर इफ नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इन्फॉर्म अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लिविंग विल दैट्स इट ठीक है चलिए what would be the author perspective on the development of legalisation of the living bill class 60 ka kya answer author ka perspective kya hai what is the author perspective 60 batao this legalisation is a landmark constitutional achievement there is a potentially no effect due to the compliance

एग्जैक्ट रीजन सिक्सटी वन का एग्जैक्ट आंसर क्या है तो यहां पर क्लास आप लोग का एग्जैक्ट आंसर है बी पे टिकमा करिए देर अन अवेयर ऑफ द सेफ गार्ड रिक्वायरमेंट मैं इन द जजमेंट दिस इज दाइट आंसर सिक्सटी टू हूम डज दजमेंट बेनिफिट एंड प्रोवाइड रिलीफ किसके लिए यह जजमेंट आप लोगों का बेनिफिट है जल्दी बताओ किसके लिए आप लोगों का जजमेंट ये बेनिफिट है जल्दी बताइए किसके लिए भाई ये बेनिफिट किसका होगा कंसर्न पार्टी के लिए डॉक्टर के लिए सो दैट वाई सी इज द राइट आंसर अदरवाइज डॉक्टर अगर अपने मन से मरने का बोलता है तो डॉक्टर इज लायबल पेरेंट्स अपने मन से बोलते हैं दैट इज लाइवल लेकिन अगर कोर्ट बोलता है नॉट लाइबल तो यहां पे एग्जैक्ट आंसर क्या आप लोग का सी इज द राइट आंसर prior to the judgment what would have been an unfortunate situation for a doctor to face after accepting the request of patient not to sustain the life support बताइए सारे क्वेश्चन इजी हैं इसके बाद पैराग्राफ आप लोग एक खुद पढ़ेंगे और मुझे आंसर यहाँ पे देंगे बताइए क्लास what will be the right answer here

64 का एग्जैक्ट आंसर क्या है बताइए 64 का एग्जैक्ट आंसर है टू इंश्योर द फ्री कंसर्ट आंसर बहुत बढ़िया चलिए खुद पढ़िए इसको फटाफट खुशी इसको खुद पढ़ो ये आप लोग का टीपी एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी घर लैंड किससे डील करता है टीपी एक्ट से अपने आप पढ़िए पी एक्ट में हम लोग अपने इमोवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसी और को देते हैं पहला पैराग्राफ इज स्पेस सक्सेशन मुस्कान स्पेस सक्सेशन का मतलब क्या होता है सक्सेशन मीन परदादा से दादा दादा से पापा को प्रॉपर्टी जाएगा स्पेस सक्सेशन मतलब जब प्रॉपर्टी हमारा परदादा से दादा को जाएगा

राइट ऑफ एंट्री ओनर ने प्रॉपर्टी को बेचा अब वो प्रॉपर्टी जो बेचा वो कुछ कंडीशंस के कारण गलत हो गया तो अब वो प्रॉपर्टी वापस उसी को मिलेगा किसी और को हम हैंड ओवर नहीं करेंगे क्योंकि गलती ओनर से हुई है तो री एंट्री का राइट किसके पास होगा ओनर के पास होगा, होगा. देखिए ध्यान से राइट टू सी यू के नॉट बी ट्रांसफर भाई निकिता मैम का राइट है आप केस फाइल करने का तो फरहान मैं राइट टू सी यू का ये जो राइट है आपको नहीं दे सकती मेरा हक है मैं ही केस फाइल करूंगी बिकॉज मेरे राइट का वोलेशन हुआ है चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा सिक्सटी फाइव लीज का मतलब क्या होता है मैंने अपना घर का पोजेशन आपको दे दिया दैट इज कॉल्ड लीज मैं लेसर आप लीजी बताओ फर्स्ट का एग्जैक्ट आंसर सिक्सटी फाइव का सिक्सटी फाइव का एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा X लेजर लीज द लैंड टू Y एज लॉन्ग Y पे द रेंट Y फेल टू पे द रेंट X ने ट्रांसफर कर दिया राइट right? किसको Z को टू एंटर हिज लैंड क्या ये आप लोग का ट्रांसफर वैलिड होगा भाई एक्स फेल टू पे द रेंट तो जब फेल हो जाएगा तो हमने पढ़ा था री एंट्री तो री एंट्री किसके पास आएगा ओनर के पास सो नो एज इट इज ओनली एक्स दैट अलोन हैज राइट टू एंटर बैक एंड कैन नॉट ट्रांसफर द सेम सो बी इज द राइट आंसर थ्री मैन ऑप्टेन द ह्यूज सम ऑफ मनी आफ्टर कमेटिंग फ्रॉड थ्रू द इंश्योरेंस स्कीम दे एंटर इंटू द एग्रीमेंट टू डिवाइड अमंगड मैन डज नॉट गेट इज शेयर he claimed the property was transferred as soon as the amount was obtained. batao 66 ka exact answer यहाँ पे बताइए जब man obtain huge sum fraud करके उन्होंने पैसा लिया through the insurance scheme एग्रीमेंट में एंटर किया कि भाई वो तीनों आपस में बांटेंगे लेकिन तीसरे मैन को नहीं मिला उसने क्लेम किया दैट द प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर एज सुन क्लास थर्ड मैन के पास कोई राइट नहीं है क्लेम करने का क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी फ्रॉड के द्वारा हुआ है सी इज द राइट आंसर बताइए अमन ग्रैंडफादर गेव थ्री लैंड टू अमन ऑन हिज बर्थडे आफ्टर थ्री ईयर इज ग्रैंड डेड

तो यहां पे जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया है तो जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है उसी के पास राइट है केस फाइल करने का सो दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर क्लास बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सिक्सटी सेवन का बी इज द राइट आंसर अंशुमन बेटा गलत मत करिए सिक्सटी सेवन का क्या बोला आप लोगों ने एग्जैक्टली exactly. 67 का बेटा ए इज द राइट आंसर एग्जैक्टली क्लास ए विल बी द ही विल नॉट सक्सीड बिकॉज़ मेयर राइट टू सू कैन नॉट ट्रांसफर दिस इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर क्लास ए आप लोग का राइट आंसर है थापरस लैंड वाज बीइंग ट्रेसपास बाय रैपर थापर का लैंड ट्रेशपास किया रैपर ने थापर ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू मापर थापर नाउ विशस टू सू रैपर फॉर द ट्रेशपास दैट अकर्ड व्हाइल ही वाज द ओनर क्या थापर आप लोग का सक्सीड होगा चार ऑप्शन है आप लोग के पास कोई नहीं कोई नहीं सिक्सटी एट का एग्जैक्ट आंसर बताइए जल्दी बताओ ये आप लोग का क्वेश्चन है क्या आप लोग का था पर सिक्स होगा इसका नोट डाउन कर लीजिए द राइट आंसर विल बी डी इज द राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर चलिए एक्स वाई आर फादर एंड सन

राइट आंसर चलिए नेक्स्ट जल्दी पढ़िए क्लास आप लोग <coughs> किरण आकांक्षा दो पैराग्राफ खुद पढ़िए मैं क्वेश्चन कराऊंगी खुद पढ़िए mm -hmm. खुद पढ़िए कौन स्टी का है आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल ट्वेंटी वन मतलब मैं आपको मेन क्रक्स बता देती हूँ सिर्फ आर्टिकल ट्वेंटी ट्वेंटी वन आईपीसी भी मिक्स है आई पी सी का आप लोगों का रॉन्गफुल रेस्ट्रेंड है जल्दी क्लास पढ़ो इसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंड है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है आप लोग का और आप लोग का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है एग्जैक्टली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो ये हमारा आई पी सी का है इट्स ओके okay. बहुत ईजी है रॉन्गफुल रिस्टेंट किसी का रास्ता रोकना ठीक है मुस्कान रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किसी का रास्ता रोकना बाकी सब रास्ते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी को कैद करना इतना सा है आप लोग का फटाफट पढ़ लीजिए फटाफट पढ़ लीजिए वही चीज़ है जो मैंने आपको बोला ये रॉन्गफुल कन्फाइन का डेफिनेशन है आईपीसी के पूरे डेफिनेशन है इसमें दो वर्ड का रेस्टोरेंट कन्फाइनमेंट देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन आप लोग के आते हैं देख रहे हैं ना? कैसे क्वेश्चन आप लोग के आते हैं दैट्स इट चलो क्लास स्टार्ट कर दीजिए सेवेंटी जल्दी मुस्कान अभिषेक जल्दी बेटा ऑब्स्ट्रक्ट <coughs> द पाथ सेवेंटी का एग्जैक्ट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग का जल्दी बताइए yes, किरण साफ -साफ बहुत बढ़िया मुस्कान एक्सिलेंट जल्दी क्लास राम शाम ज्वाइंटली ओन अ पॉन्ड ज्वाइंटली पॉन्ड खरीदा बोथ द मार्केट ऑन द लिविंग द पॉन्ड इज लोकेटेड राम प्रमाइसिस में मतलब राम के प्रॉपर्टी में वो पॉन्ड था विदाउट एनी रीजन डिनाइड शाम टू एक्सेस दी pond. बताओ सेवेंटी वन भाई हर चीज में रेस्ट्रिक्शन आप लोगों के होते हैं एक्सलेंट किरण ये मैं आपको पैराग्राफ करा चुकी हूं तब भी आप लोगों के गलत आंसर पता नहीं क्यों आ रहे हैं

आप नहीं जा पा रहे क्या ये रॉन्गफुल रेस्टोरेंट है बहुत मजेदार क्वेश्चन आप लोग का सेवेंटी टू क्या ये रेस्टोरेंट है क्या ये रेस्टोरेंट है क्लास जल्दी बताओ क्या ये आप लोग का रेस्टोरेंट है द आंसर इज एक्सलेंट किरण नहीं है भाई मैंने कोई रास्ता नहीं रोका आपका बहुत बढ़िया रजत थ्रेटन रिया नॉट टू लीव हर हाउस इफ रिया अटेम्प्ट टू लीव द हाउस रजत वुड बर्न हर हाउस क्या ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा क्लास सेवेंटी थ्री जल्दी जल्दी क्लास भाई ये आप लोग का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है ये आपका रॉन्गफुल कंफाइनमेंट है राइट आंसर विल बी आंसर बहुत बढ़िया उसे खोलना भूल गया रिमेन टाई फॉर द नेक्स्ट थ्री डेज क्या ललित फाइल केस अगेंस्ट महेश बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग का सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर का एग्जैक्ट आंसर क्या है जल्दी भाई रस्सी से भूल गया आपका इंटेंशन है नहीं दैट डजेंट मैटर तो यहां पे क्लास दिस इज द केस ऑफ वॉट रॉन्गफुल कंफाइनमेंट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एक्सेलेंट किरण सी इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो जी आर्टिकल 19 इसमें तो कुछ आपको बताना ही नहीं है पैराग्राफ देख के मैं समझ गई आर्टिकल 19 है आर्टिकल 19 के सारे क्लॉजेस लिखे हुए हैं आ, आप लोग का है बी ए सी डी ई एफ हट जाए जी और आर्टिकल ये रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के आ गया मुझे पैराग्राफ मुझे समझ में आ गया जल्दी क्लास सिर्फ पांच मिनट बाकी है पैराग्राफ मुझे समझ में आ गया आर्टिकल 19 आप लोग का पूरा ये फटाफट पढ़िए फटाफट पढ़िए क्लास आर्टिकल 19 ये हमारे रेस्ट्रिक्शन है

बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग का सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव क्लास जल्दी क्लास भाई मैं खड़ी हूं स्ट्रेट बस मैं गा नहीं रही ना मैं खड़ी हूं बट मैं गा नहीं रही जल्दी एक्सीलेंट अभिषेक एंड आकांक्षा भाई एक्सपल्शन आप लोग का फंडामेंटल रिकॉबलेन एक्जैक्टली 76 A group of students performing peaceful protest for unhygienic sanitary condition of the campus Student leader ne hate speech diya state ke against the suit was filed against student batao Jaldi 76 exact answer 76 ka exact answer Hate speech क्या हेट स्पीच हमारा आर्टिकल 19 में आता है हेट स्पीच so right एक न्यूज़पेपर था 30 पन्नों का न्यूज छापता था, था और अधिकतर न्यूज़पेपर वाले सात पन्नों का छापते हैं अब सात पन्ने वाले जो भी कंपनी है उन्होंने केस फाइल कर दिया बताओ उन्होंने केस फाइल कर दिया सेवनटी जल्दी क्लास भाई तीस पन्नों का छापू या पचास पन्नों का एक्सिलेंट आकांक्षा ए एज राइट आंसर दिस इज नॉट अ वलेट ऑफ फंडामेंटल राइट मनीष जैन हैज बिन डिस इंडिया फॉर पास टू ई मनीष इज फॉरबिडन बाय अथॉरिटी ऑफ द स्टेडियम टू मनीष को मना था स्टेडियम में नहीं जा सकते तुम मनीष जैन कनाडा का पासपोर्ट होल्डर था फाइल्ड सूट अगेंस्ट केरला हाईकोर्ट अगेंस्ट स्टेडियम अथॉरिटी फॉर द दॉलेट ऑफ फंडामेंटल राइट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर सेवेंटी एट का एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा सेवेंटी एट का एग्जैक्ट आंसर सेवेंटी एट का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बताइए सेवेंटी एट का एग्जैक्ट आंसर आप लोगों का यहां पे दिया गया है दैट इज डी इज द राइट आंसर नन ऑफ दी इज द राइट आंसर प्रेमा दैट इज नन ऑफ द राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन अ मैन बिलोंगिंग टू क्रिश्चियन कमेटी कॉम्य थ्रोन आउट ऑफ द मूवी हॉल फॉर रिफ्यूजिंग टू सिंग द नेशनल ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के आते हैं बताइए जल्दी बताओ इसका एग्जैक्ट आंसर सेवेंटी नाइन का एग्जैक्ट आंसर बताइए इसके बाद आप लोगों के आशीष सर आएंगे इसके बाद आप लोगों का आशीष सर आएंगे जो कि आप लोग का इंग्लिश का सेशन लेंगे सेशन हां जी क्लास जल्दी बताइए ये आपका क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन है आप लोग का बहुत बढ़िया बी इज द राइट आंसर दैट्स ग्रेट बहुत बढ़िया सो so क्लास ये तो आप लोग का 30 मिनट हुआ लेकिन खुशी हमें कोशिश करना है 20 मिनट में लीगल के पैराग्राफ आप लोगों को कंप्लीट करना है 20 मिनट में अब इसके बाद आप लोगों के आशीष सर आएंगे जो हमारा इंग्लिश का सेशन कराएंगे तब तक आप लोग फटाफट पैराग्राफ को देख लीजिए सो दैट सर आए उससे पहले आप लोग यहाँ पे सेशन को देख लीजिए ये आप लोग का इंग्लिश का सेशन है दैट्स इट ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट अभी आप लोग को आशीष सर आएंगे यहाँ पे हेलो एवरीवन वेलकम एक सेकंड के तरह फटाफट मैं है। क्या हाल है भाई बच्चों पटी मॉक करने के लिए तैयार मेरी सेना हां जी बिल्कुल रेडी 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 से मुझे याद आ गया है जवान ठीक है भाई चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो ये आपके सामने आ, पैसेज है ये वन मिनट द लैम वॉज देयर एंड द नेक्स्ट इट वॉज नॉट आई सो इट अ मोमेंट गो सेट तारा तो आप लोग करेंगे इसको पैसेज को या मैं करवाऊ आपको कैसे करना पसंद करेंगे बताइए जल्दी से बताइए फटाफट से अभी तक आपने कैसे कराया मैम ने क्या करवाया आपको मैम ने कैसे करवाया आपको मैम ने पहले क्वेश्चन आपको दिया है करने के लिए या फिर उन्होंने डायरेक्टली करवाया आपको कैसे करा बताओ सेल्फ ओके चलिए तो फिर करिए इसको फटाफट से लेट्स सी हाँ तो आप लोगों को है चलिए करिए फिर अगर मैम ने भी ऐसे ही करवाया आपको तो मिक्सिंग तो पहला वाला मैं आपको करा देता दूसरा फिर आप करिएगा कैटल स्टॉल इट वॉज हियर अमंग सो बेसिकली जब आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक स्टोरी की सारे बातें चल रही है और जब यहां पर एक स्टोरी की तरह बातें चल रही हैं तो इसको पढ़ने में और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है तरुण बिजी फाइंडिंग अ स्पॉट फॉर अ पेयर ऑफ पिजन ऑन द राफ्टर्स ऑफ द रूफ तो कौन सी रूफ होती है थाचे? जो थोड़ी सी उबर खबर सी हो वैसी लेट द बर्ड असाइड दे लुकड अंडर स्टूल्स एंड चेयर एंड ऑल ओवर द सोफा दे इवन सिफ्टेड थ्रू द ग्लिटरिंग ऑर्नमेंट दैट वुड soon adorn the christmas tree are you sure it was put away with all our other stuff last year said tarun i mean did it left did it get left behind when we were packing our christmas decorations if i remember correctly i took down the bells baubles lights and tinsel uh, while you were in charge of everything not on the tree so basically जब कभी आप इस तरीके का पैसेज देखते हो ना तो एक तो आपके लिए फायदा यह है कि दैट जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन को आपको याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होती आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी और जब इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी देन इट बिकम्स ईजीअर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन ऑल्सो ठीक है आगे चलते हैं तारा नॉडेड आई मेड श्योर एवरी पीस वेंट सेफली इन टू द बॉक्स You know how attached we are to them. They may not be expensive, but we have had them for years, and they are still so bright and beautiful. Of course, we have had to hide the broken ear of one of the wise men by positioning him behind the others, said Tarun, smiling. Then there's Bessie, our cute tailless cow, he spoke lightly, but he was as upset as Tara that they could not locate the lamp.

ज्यादा आई थिंक बेटर हो सकता है आपके लिए इफ यू डू इट हियर राइट तो आगे अगर हम चलते हैं अ कैजुअल ऑब्जर्वर माइट नॉट हैव अंडरस्टूड द फीलिंग अपार्ट फ्रॉम मैरी एंड जोसेफ द वाइज मैन एंड शेपर्स तो अब यहां पर अगर आप एक किसी चीज को मार्क करना चाहें तो आप यहां कर सकते हैं अ कैजुअल ऑब्जर्वर माइट नॉट हैव अंडरस्टूड है सिब्लिंग फीलिंग की सिब्लिंग की जो फीलिंग है वो एक राह चलते इंसान को शायद समझ में ना आए ठीक है तो इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी राइटली इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनमें से हम क्या चीज राइटली इन्फर नहीं कर सकते अब अगर हम ऑप्शन देखें तारा वॉज द वन हु लॉज द लैम्प डेकोरेशन ठीक है लैम्प डेकोरेशन दूसरे का क्या है बोथ सिबलिंग्स वैल्यूड द लैम्प एज मच एज दे वैल्यूड द अदर डेकोरेशन तारा वॉज सर्ट इन ऑल पीसेज वर प्रॉपरली स्टोर्ड एंड द लैम्प इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द नेटिविटी सीन अब अगर आप इसमें देखें फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस फॉर अ क्वेस्टन लाइक दिस आप आसानी से एलिमिनेशन से अगर आप जाओगे ना इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट ऑप्शन यू विल गेट योर आंसर यू विल गेट योर आंसर बिकॉज तारा वॉर सर्टन ऑल पीसेज वर दे आप इन्फर ठीक है कर सकते हो यू कैन इन्फर दिस द लैम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नेटिविटी सीन ये भी आप कर सकते हो कहां से कर सकते हो एनी मोर देन यू फील योअर नेटिविटी सीन इज परफेक्ट विदाउट द लैम यहां पर लिखा है तो दैट मीन्स इट इज नेसेसरी फॉर इट तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो तो क्लियरली आपके पास एक चीज यहां पर निकल के आ जाएगी कि अब आपका आंसर ए और बी के बीच में से होगा अगर ए और बी के बीच में से होगा तो आप इसमें से क्या कह सकते हो बोथ बोथ वैल्यूड वैल्यूड यस अबाउट इट सो ये भी आंसर नहीं हो सकता सो द करेक्ट आंसर इज ए इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं आप में से जितने लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि मुझे ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है ठीक है मुझे ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है उन बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो यू कैन पे अटेंशन टू एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम वर्ड्स जो होते हैं ऑलवेज इट विल नेवर हैपन इट इज बाउंड टू हैपन ठीक है ओनली दिस इज दी ओनली थिंग दैट कैन हैपन तो ये सारी की सारी चीजें जब आप करते हो दिस विल रियली गिव यू करेक्ट आंसर तो खासकर कुछ बच्चे हमेशा मुझे मैसेज करते हैं इस चीज के लिए कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है वो ऑप्शन का कंफ्यूजन आप एक्सट्रीम से हटा सकते हो या फिर विद हेल्प ऑफ कंजंक्शन कि कंजंक्शन आपको ये चीज क्लूज देते हैं जो कि हेल्प करते हैं तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं नेक्स्ट

ठीक है तारा वॉज शी एक्सीडेंटली ब्रोकन सम पीसेज द चिल्ड्रन आर बिजी डेकोरेटिंग क्रिएटिंग द नेटिविटी सीन एट द चिल्ड्रन वर ट्राइंग टू सम क्रिसमस डेकोरेशन इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा द चिल्ड्रन आर बिजी डेकोरेटिंग द एंड रिक्रिएटिंग द नेटिविटी सीन सो सी हो जाएगा बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं ये आप यहां से आप uh, which of the following is most accurate इसको आप एक्यूरेटली नहीं बोल सकते अब इसमें आपको क्या देखना है तरुण वाज वेरी केयरफुल अबाउट स्टोरिंग द डेकोरेशंस अब यहां ये वर्ड जो लगा है ना वेरी ये आपका क्लू है ये आपका क्लू है क्या आप पैसेज को पढ़ के ये बोल सकते हो कि तरुण बहुत केयरफुल uh, था क्या आप ये बोल सकते हो कि तरुण बहुत केयरफुल uh, था इन स्टोरिंग द डेकोरेशंस बताओ फटाफट से कैन यू सेट कैन यू से दैट ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट ड वर्ड अडोन एज यूज इन दैसेज मीन अडोन वर्ड का मतलब क्या होता है adorn word का. अब इसके लिए अगर हम वर्ड पे वापस जाए अडोन लेट सर्च दिस वर्ड कहां पर है अडोन प्लीज हेल्प मी आउट अगर आपको कहीं दिख रहा है ये वर्ड तो अडोन All right, let's search this word. If we can find this word anywhere, मैं आपको more or less techniques बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप words को uh, questions को approach कर सकते हैं. Let's find this word, dawn anywhere. अगर आपको मिल रहा है तो, okay, I cannot find it here. I cannot find it here. I cannot find it here. Dawn. I cannot find it here. यहाँ पर है आई कैन नॉट फाइंड इट ह्योर कहीं दिख रहा है आपको ऑन वर्ड फटाफट से प्लीज टेल मी एनी वेर फर्स्ट जल्दी से बताइए सेकेंड पैरा में आप वर्ड बोल रहे हैं ऑन ये रहा सेकेंड पैराग्राफ वेयर इज अडॉन स्टफ सेड तरुण सेेशन ऑल राइट सो तरुण अब जब कभी भी आपके पास कॉन्टेक्चुअल वोकैबलरी का क्वेश्चन आता है वेन एवर यू गेट कॉन्टेक्चुअल वोकैबलरी क्वेश्चन अब आपको कैसे करना है आपका वर्ड ये अडॉन अब इसको हम यहां से देखना शुरू करते हैं इसके ऊपर की दो लाइनें पढ़ते हैं तरुण बिजी फाइंडिंग अटेबल स्पॉट फॉर अ पेयर ऑफ पिजन ऑन द राफ्टर्स ऑफ द्रूफ लेट द बर्थ साइड द लुकड अंडर स्टूल्स एंड चेयर एंड ऑल ओवर द सोफा दिफ्टेड थ्रू द ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स दैट वुड सुन अडोन द क्रिसमस ट्री अब जब आप यहां कह रहे हो कि ऑर्नामेंट्स की बात हो रही है यहां पर और ऑर्नामेंट्स को क्या करा जाता है ऑर्नामेंट्स को पहना जाता है और आप क्रिसमस ट्री के ऊपर उसको सजावट की तरह यूज करोगे अगर आप इसको सजावट की तरह यूज करोगे तो अडोन का मतलब क्लियरली क्वेश्चन नंबर थ्री का मतलब यहां पर क्या निकल के आ जाएगा कि टेक अप एंड प्रैक्टिस समवन नो ब्रिंग अ प्रोजेक्ट नो ग्रांड परमिशन टू स्टार्ट समथिंग नो इकलौता आंसर क्या बचा डी दैट इज मेक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग ऑर्नामेंट्स ठीक है तो ऑर्नामेंट्स लगा के आप उसको और अट्रैक्टिव बना दो अच्छा बना दो ठीक है ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर फ्रॉम द मदर्स रिकाउंटिंग द बाइबल ऑफ द बाइबल स्टोरी ठीक है ठीक है तो अब यहां पर हम कौन सी स्टोरी देख सकते हैं बाइबल तो की तरफ से यहां से देखिए यू रिमाइंड मी ऑफ द स्टोरी इन द बाइबल एट द मदर हु हैड बीन लिसनिंग टू द चिल्ड्रन जीजस सेट दैट द शेपर्ड लेफ्ट हिज फ्लॉक

और जब वो मैनकाइंड को सिंबलाइज करता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो क्राइस्ट है वो अपने सारे बच्चों से उतना ही प्यार करता है जितने वो आ, सबसे तो इसलिए अगर एक भी मिसिंग हो ना तो बड़ा डर लगता है या दुख पहुंचता है तो इस वजह से सीधा सीधा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा सीधा आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ए सो ए वुड बी दी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर मेरे हिसाब से पैसेज नंबर वन में आप कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते ठीक है सारे ही क्वेश्चन इसमें ईजी थे सारे ही क्वेश्चन इसमें ईजी थे जो आप कर सकते तो इसमें आपका फोर ऑन फोर आना चाहिए इसमें आपका फोर ऑन फोर स्कोर आना चाहिए अगर आपका फोर ऑन फोर आया है तो चैट बॉक्स में जरा आग लगा दो फटाफट से आग लगा दो अगर इसमें फोर ऑन फोर आया है आपके पास तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज हेयर माई लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन थिंग्स ग्रोन अप्स Say, but don't actually mean. So, our school's annual day finally happened last week, and I couldn't be happier. This year, I decided that I wanted to try something different, so I opted for media and editing. What's that you ask? Who cares? I thought. As long as I didn't have to dress up as a sunflower and wave my arms about while lip syncing to a song by Post Malone, uh, I didn't really care. But to be honest, I thought media and editing would be cool. Uh, would be cool that I'd learn how to create special effects, which I could then use on my YouTube channel. That it would launch my movie career. Ha! Huh. Can you tell that it is not what happened? A tad off. First, the sir who taught us editing was not some cool guy with amazing stories about how he worked on the Hobbit and the Lord of Rings.

तो जब ये नैरेटिव की तरह आपके लिए चल रहा है देन इट बिकम्स रियली वेरी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू अगेन डू इट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये पूरा का पूरा पैसेज अगर आप देखते हैं अगेन इसके ऊपर देर आर लॉर ऑफ यू नो डायरेक्ट रेफरेंसेज हैं नरेशन हैं जिसमें आपको एज अ स्टोरी टेलर पता चलेगा एंड वेन यू गेट द फील ऑफ अ स्टोरी टेलर इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू डू दिस पर्टिकुलर पैसेज ऑल्सो मेरा तो आपके लिए सिर्फ एक विषय कि आपके क्लैट वाले दिन में ऐसे पैसेजेस आपके पास भर भर के आ जाए तो मेरे ये सारे के सारे जो योद्धा इस वक्त सेशन को अटेंड कर रहे हो ना आप लोग आप सारे के सारे योद्धाओं को आपका जो मनपसंद कॉलेज है ना वो मिल जाएगा भगवान करे ऐसे पैसेज आपके पास आ जाए ठीक है ये सारे के सारे पैसेजेस मैं अभी पढ़ रहा हूं आपके साथ साथ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि क्लैट वाले दिन अगर ऐसे पैसेजेस आ गए ना आप सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए खासकर इंग्लिश के सेक्शन में ये मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको फुल गारंटी के साथ ठीक है आपको क्या लगता है आप भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए तो पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी राइटली इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज क्या आप इसमें से इन्फर कर सकते हो ठीक है क्या आप इसमें से इन्फर कर सकते हो तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से क्या इन्फर कर सकते हो आप इसमें से फटाफट से लेट मी नो जल्दी से द सर वॉज मोस्ट स्किल्ड इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये बात तो हमारे को ऑटोमेटिकली पता चल गई वो आई में कोडिंग वगैरह कुछ करते थे ठीक है पाइथन की तो ही वॉज वेरी गुड देर तो ये तो हमारे को पहले ही पता चल गया तो ये इजी क्वेश्चन हो गया आप कर सकते थे ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स ग्रोन अप से बट डोंट एक्चुअली मीन ठीक है अब इसको अगर हम अपनी रियलिटी लाइफ से भी देखेंगे ना तो आपको इसका आंसर शायद मिल जाएगा अ फादर हु हुटेल्स हिज सन टू जस्ट पास इन एग्जाम्स एंड देन स्कोल्स हिम फॉर नॉट टॉपिंग द क्लास थिंग्स ग्रोन अप से बट डोंट एक्चुअली मीन ठीक है अब पहले यहां पर आप किस ग्रोन अपनी बात करते हो टीचर हुआ साइंस विद डायरेक्शन बट स्कोल नॉट फॉलोइंग डायरेक्शन राइट और उसके बाद सी अच हु इनकरेज एन एथलीट टू डू हर बेस्ट इन अरेज एंड देसल्स आर फॉर लूजिंग ठीक है अ काउंसिलर हुईस अ स्टूडेंट नॉट टू टेक अटन क्लास एंड एडवाइस टू टेक अ डिफरेंट वन तो इसमें क्या होगा सर मैं एडमिट कार्ड की दो फोटो कापी हां जी प्लीज करवा लीजिए फोटो कॉपी फोटो ठीक है कौन सा बताइए जल्दी से इसमें आपको बताया विच ऑफ द फॉलो विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल कैन बताना है ना कैन नॉट कहा बताना है कैन बताना है ना ठीक है चलिए जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा सिक्स का आंसर जल्दी से बताइए फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर किसको कर सकते हैं अ फादर हु टेल्स हिज सन जस्ट टू पास इन एग्जाम्स एंड देन स्कोल्स हिम फॉर नॉट ये तो ये बताओ यहां पे कितने सारे लोगों के साथ ये चीज हुई है हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस दिस कि पापा ने और आपके घर वालों ने कहा होगा बेटा बस अभी पढ़ाई कर ले आगे की लाइफ सेट है और ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता नथिंग लाइक दिस हैपेंस अ फादर हु टेल्स हिज सन टू जस्ट पास इन एग्जाम्स एंड देन स्कोल्स हिम फॉर नॉट टॉपिंग द क्लास ओके यहां पर देख लेते हैं फिफ्थ वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी राइटली इन्फॉर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज द गि पैसे मोर स्किल्ड इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस तो यहां पर कहां लिखा था उन्होंने सॉफ्टवेयर इज एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम अच्छा इसने यहां पर लेकिन स्किल्ड के बारे में नहीं दे रखा है तो भी मेरा तुक्का सही बैठ गया उसके अलावा भी तो भी आंसर ए ही होगा इसका क्योंकि अडल्ट डोंट ऑलवेज स्पीक अप वेन दे आर रिक्वायर्ड टू ये तो हम इन्फर कर सकते हैं दिस कैन बी इन्फॉर्ड सो दिस कैन नॉट बी आंसर दी ऑथर वॉन्टेड टू नो वॉट एग्जैक्टली ऑल ग्रोन अराउंड हिम मीन राइट एंड अडल्ट डोंट यूजअली मीन वे से बात तो वो पूरे पैसेज में इंटायर पैसेज इज से हमने गलत क्वेश्चन पढ़ के किया उसके बावजूद भी द आंसर रिमेन्स द सेम आई टेल यू वाई बिकॉज यहां पर लिखा मोर स्किल्ड इन डिवेलपिंग सॉफ्टवेयर बट उन्होंने लिखा है दैट ही वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इन दई टी फॉर्म तो उसके अलावा जो क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन हमारा आंसर दोनों केसेस में एक ही जगह बैठ गया दोनों जगह पे एक ही जगह पे इसका बैठ गया सही से बिल्कुल सही सिक्स का आंसर हमारा ए होगा बिल्कुल सही है सिक्स का आंसर हमारा ए होगा एब्सोल्युटली करेक्ट सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डज द मीन ऑप्टेड एज यूज इन द पैसेज मीन्स ऑप्टेड जो वर्ड है इसका मतलब क्या होगा जल्दी से बताएंगे जल्दी से बनाएंगे क्या मतलब होगा ऑप्टेड वॉट डज द वर्ड ऑप्टेड एज यूज इन द पैसेज मीन ऑप्टेड का मतलब क्या होता है टेकन इन इन टू वन फैमिली सिलेक्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर सो ऑप्ट का क्या मतलब होता है वेन यू ऑप्ट समथिंग सो दैट मीन होता है यू आर सेलेक्टिंग समथिंग एल्स एंड एज एन ऑल्टरनेटिव

सर ने क्या रिएक्ट किया था हाउ डिड सर रिएक्ट व्हेन ही विद आइडियाज अबाउट द असाइनमेंट कैसे उन्होंने अप्रोच किया था उसको तो यहां पर अगर आप जाके देखेंगे तो उन्होंने क्या किया था जल्दी से बताइए फटाफट से बताइए यहां पर देख के आप बता सकते हैं जल्दी से फर्स्ट द सर हू टॉट एस एडिटिंग वॉज नॉट दिस 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 उसने किया था वेन वी वेंट टू हिम विदिया नो नो शो मी द फाइनल तो उन्होंने उससे क्या चीज मांगी थी उन्होंने उससे फाइनल थिंग मांगा था देर फॉर क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हमारे पास सीधा सीधा आ जाता है ही सेंड दम अवे स्टेटिंग दैट ही वॉन्टेड टू सी देर फाइनल वर्जन ही वॉन्टेड टू सी देयर फाइनल वर्जन राइट सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे तो आप यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन था और इसका डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ से मिल सकते थे ठीक है पैसेज की तैयारी और पैसेज की प्रैक्टिस मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी करवा रखी है आज सुबह भी मैंने आपको पूरी मैराथन ली थी आप वो पूरी की पूरी मैराथन देख सकते हैं जिसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन करे थे उसकी पी और इससे पहले वाली जो को पेपर हुआ था जो मैराथन हुई थी दोनों की पी मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे आप जाके उसको वहां से ले सकते हैं अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके उसको ज्वाइन कर लें वहां पर मैं आपके लिए वो दोनों की दोनों पी डाल दूंगा उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जाते जाते इससे पहले कि हनी सर को मैं बुलाऊं और हनी सर आपके लिए वो सेशन लें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज़ बच्चों अभी घबराने की जरूरत नहीं है जो भी टेक्निक्स और ट्रिक्स आपको हमने यहाँ पर बताई हैं क्लासेस में अलग अलग टीचर ने वो आप जरूर करिए सर प्लीज़ सजेस्ट समथिंग फॉर मेंटेनिंग एनजाइटी देखिए एनजाइटी के लिए सबसे पहले आपको इस समय सोना बहुत ज़रूरी है थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करें आप वो बहुत ज़रूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें अपने पेपर के बारे में अच्छी बातें करें अपनी प्रेपरेशन के बारे में अच्छी बातें करें कभी भी किसी से भी इंटीमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है ये सारी की सारी बातें करें और इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ पर्सन आपके पास कोई पर्सन है आपका फ्रेंड और एनीबडी टॉक ट इट आउट एंड जस्ट वेंट आउट वट एवर फीलिंग यू हैव रिगार्डिंग यूर प्रेशन दबे तरीके होते हैं अपनी एंग्जाइटी को भगाने के लिए मैं भी करता हूं। आ, सर, पास आने से आपके लिए, लिए साढ़े पांच बजे आ, लाइव हो गया होगा जाके उसको देखिए मैंने बहुत कुछ उसमें बताया है कि अगर आपको टेंशन हो रही है तो आपको इस समय क्या क्या चीजें अपने लिए साथ करनी चाहिए वो वीडियो देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझ में आ जाएगा सर हाउ कैन वी इंप्रूव आर इंग्लिश आप प्रेरणा फॉर विच एग्जाम आर यू टॉकिंग अबाउट अगर आप क्लैट के लिए बोल रहे हो बच्चे तो आप इंग्लिश के लिए हमारे जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो और अब उस पर अभी वीकेंड uh, जो है मंथ एंड सेल चल रही है जिसपे आपको 81 परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है बाय जो यूजिंग कोड वाई सेवन वन थ्री तो आप जाइए फटाफट से कोड लगाइए वाई सेवन वन थ्री और जुड़ जाइए हमारे साथ उस बैच में उसके अलावा यहाँ पर है आ, सर एक डर लग रहा है और दूसरी साइड से लग रहा है कि आई कैन डू इट तो बस जो आपको लग रहा है ना किरण कि आई कैन डू इट बस उसी चीज़ को आगे लेके चाहते जाओ इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना पेपर दो ना बच्चे तो अपना एक परसेप्शन एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखो आप उस चीज में ठीक है रीडिंग एंड ज्वाइन विथ सर यस वो तो है सर मॉक्स में मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं नथिंग टू वरी अबाउट ठीक है नथिंग टू वरी अबाउट वो आपको बिल्कुल नहीं करना है ठीक है सर मॉक पेपर अभी कंप्लीट uh, किया हाँ देखिए अगर उसमें मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो भी गए ना तो घबराने की बात नहीं है मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होते रहते हैं यार लेकिन प्रिपरेशन सही होनी चाहिए इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में मार्क्स अगर ऊपर नीचे हो भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है यार उससे देखो ना आप उस चीज़ को आप क्योंकि उसमें कुछ सर्टन सिलेबस तो है नहीं तो इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरी इंटेलिजेंस में कोई कमी है एक पैसेज अगर खराब भी हो गया तो दूसरा अच्छा हो जाएगा डोंट वरी अबाउट इट ठीक है एमलिन लेन चेम्बर बोल रहे हैं आई एम क्लाइट 2025 स्टूडेंट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अभी सबमिट किया ऑल राइट बेटा देखिए तो अभी आपके पास बहुत टाइम है क्लाइट 2025 के लिए हमारा फाउंडेशन बैच आ चुका है आप हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हो बच्चे और उसमें मंथ एंड सेल जैसे मैंने आपको बताया वो चल रही है आप जाके ले सकते हो कोड <coughs> लगा सकते हो Y713 मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए Y713 और इस पर आपको मिल जाएगा एडी वन परसेंट का डिस्काउंट ठीक है इसके अलावा यू कैन ऑल्सो मेल योर क्वेरीज या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बैच लेने में प्रॉब्लम आ रही हो समझ नहीं आ रहा हो कैसे लेना है बैच तो आप uh, मुझे मेल कर सकते हैं आशीष डॉट गर्ग एट द रेट अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम पे और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कॉल मी ऑन दिस नंबर ठीक है इस पर भी कर सकते हो आ, सर मैंने ये मॉक कर रखा है वेरी गुड किरण अगर आपने कर रखा है तो सर सब सब्जेक्ट में मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं कोई बात नहीं बेटा उससे डिमोटिवेट मत हो जब अच्छे आ रहे थे तब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आया ना तो इससे डिमोटिवेट क्यों हो रहे है? हो जाएगा डोंट वरी अबाउट इट सर ना मार्क्स आ पा रहे हैं अच्छे से ना कुछ मोटिवेशन मिल पा रहा है बाकी कल प्रिपरेशन बहुत बेस्ट चल रही है बहुत बट बोर्ड का बहुत कुछ छूट रहा है कोई बात नहीं बेटा ये पेपर जब निकल जाएगा ना अच्छे से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो बस थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य रखो ठीक है अभिषेक अगर आपके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना सो यू आर ऑन द सेफर साइड बहुत अच्छा आपका आ, स्कोर आ रहा है बस इसको मेंटेन करके चलो 90 के ऊपर लेके अगर आप आ गए तो आपको पक्का से आ, एक एन में जगह मिल जाएगी ठीक है तो ये आप ज़रूर करें उसमें और आपके लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए एन के लिए मैंने जैसे भी बताया आप 95 टारगेट uh, करके चलो तो प्लस फाइव uh, प्लस माइनस फाइव का डेविएशन चल जाएगा तो इसलिए इतना करिए सर एडमिट कार्ड को इंस्ट्रक्शन के साथ प्रिंट कराना है इंस्ट्रक्शंस करवा लीजिए एक कॉपी करवा लीजिए बाकी अदरवाइज़ वो जो फर्स्ट पेज होता है वो वही चाहिए होता है लेकिन आप दोनों करवा लीजिएगा टू बी ऑन द सेफर साइड कहीं वो ये ना बोल दें कल को कि आप आधा ले आए थे तो बिल्कुल ऐसी झंझट में फंसना ही क्यों है ठीक है सेवेंटी uh, प्लस अगर आ रहे हो और कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो भी आपको ट्राई करना चाहिए अराउंड सेवेंटी फाइव टू एट्टी के बीच में लेके आने का अगर आप ई डब्ल्यू एस या ओ ओ बी सी कैटेगरी के हो तो करंट uh, का दूर है करंट अफेयर्स uh, कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट अफेयर्स हो जाएंगे आपके करंट अफेयर्स का सबके साथ एक जैसा ही हाल रहने वाला है डोंट वरी अबाउट इट ठीक है जी तो ये है मैं आपको जाते जाते एक चीज़ यहाँ पर से दिखा देता हूँ फिर भी कि अगर आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की साइड पे जाओगे यहाँ पे ठीक है और आप हमारे क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ाइव के लिए लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ये हमारे अंडर पे पर जाइए लॉ एंट्रेंस पे जाइए ये रहा क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का फाउंडेशन बैच हमारे ले आए हैं जो आपको अभी आज के दिन अगर आप Y713 लगाते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको इस पर मिल रहा है 81% परसेंट का डिस्काउंट आपको कॉल करके बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा ये कोड लगाओगे तो आपको सर की मेंटोरशिप नहीं मिलेगी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पास मेरा पूरा का पूरा कोर्स है मेरा पूरा पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा एट्टी का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ऐप के थ्रू अगर जाएंगे कॉइन्स लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट ये मिल जाएगा और ये नौ हज़ार छः सौ रुपये से भी कम का मिलेगा तो आप में से जो लोग भी क्लाट ट्वेंटी के एस्पिरेंट्स हैं जाइए फटाफट से और जुड़ जाइए हमारे साथ <coughs> ये क्लास को यही हम विराम देते हैं फिर मिलेंगे कल आपके साथ ज़रूर आइएगा कल सुबह दस बजे से हमारी मेगा मैराथन आप लोगों के साथ होगी तो दस बजे से लेकर शाम को पाँच बजे तक आपके लिए कंटिन्यूस मैराथन हमारे इस चैनल पर आइएगा ज़रूर टेक केयर बाय बाय